हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं हूं अभी कार्लोवी वेरी में, जो कि है चेक रिपब्लिक का एक स्पा टाउन। इसको कार्ल्सबाड भी बोलते हैं। ये जाना जाता है अपनी नेचुरल थर्मल स्प्रिंग के लिए। सो चलिए, लेट्स एक्सप्लोर दिस लेसर नोन टाउन ऑफ चेक रिपब्लिक। इस टाउन में एंटर करते ही हम पहुंचे इस इंटरेस्टिंग से कोर्टयार्ड में, जहां हमने देखी ये थर्मल स्प्रिंग। एंड हम सबसे पहले गए अपने लिए एक सिपिंग कप लेने के लिए, जो यहाँ के हर कॉर्नर पे मिलते हैं। इनका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन है एंड ये अलग अलग साइज में होते हैं। हमने जो लिया वो था 180 चेक क्राउन्स का, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 7 यूरोस। एंड हम पहुंचे इस स्प्रिंग को टेस्ट करने के लिए। पहली थर्मल स्प्रिंग से पहला सिप लेते ही दो चीजें हैं जिनसे मैं सरप्राइज हुआ। पहला कि इस पानी का टेम्परेचर, जो कि काफी वार्म था, एंड दूसरा इस पानी में अच्छा खासा टेस्ट था। बस अब क्या था, हमने शुरू किया हमारा कार्लोवी वेरी का एक्सप्लोरेशन इन डिफरेंट थर्मल स्प्रिंग्स को टेस्ट करने के साथ। यहाँ 15 थर्मल स्प्रिंग्स हैं, जो कि यहाँ के मेन एरिया में स्प्रेड आउट हैं, एंड ये सब एक दूसरे से वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। हर एक थर्मल स्प्रिंग को एक नाम और एक नंबर दिया गया है, जो कि पता चलता है हर स्प्रिंग के बाहर लगे इस प्लाक से, जिसमें इस स्प्रिंग का टेम्परेचर भी लिखा रहता है। थोड़ी ही आगे था ये मिल कॉलोनेड। इस कोर्टयार्ड में मल्टीपल स्प्रिंग्स हैं। नेचुरल स्प्रिंग वाटर तो इस जगह का अट्रैक्शन था ही, बट ये कोर्टयार्ड भी खुद अपने में बहुत इंटरेस्टिंग था। ये काफी बड़ा कोर्टयार्ड है एंड इसमें 124 कॉलम्स हैं, एंड इट हैज अ वेरी मजेस्टिक फीलिंग। कार्लोवी वेरी मेनली जाना जाता है अपनी हेल्थ एंड वेलनेस स्प्रिंग्स एंड स्पास के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर थोड़ी देर में हम एक नया स्प्रिंग ट्राई कर रहे हैं। सो इन जनरल वाटर का टेस्ट थोड़ा सा सॉल्टी है। हम लोगों ने अभी 7 या 8 स्प्रिंग्स का पानी ट्राई किया है, एंड हर एक स्प्रिंग का पानी दूसरी स्प्रिंग के पानी से के टेस्ट से डिफरेंट है, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें कितना मिनरल कंटेंट है। वैसे तो यहाँ पे 15 थर्मल स्प्रिंग्स हैं, हमने अभी सिर्फ 7-8 ही किए हैं, तो चलिए देखते हैं बाकी के जो बचे हुए स्प्रिंग्स हैं वो कहाँ पर हैं। कार्लोवी वेरी है चेक रिपब्लिक के वेस्टर्न साइड में, एंड ये प्राग से बोथ बाय ट्रेन एंड बाय कार बहुत एक्सेसिबल है। बाय कार आप विद इन 2 आवर्स ड्राइव में यहाँ पहुँच जाते हैं। सो अगर आप प्राग आ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा ये अनयूजुअल डेस्टिनेशन एक नए एक्सपीरियंस के लिए। एक वीकेंड ट्रिप के लिए ये एक अच्छी डेस्टिनेशन है। Interestingly, यहाँ पर जुलाई में एक बहुत फेमस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी होता है। इनफैक्ट कार्लोवी वेरी इतना सुंदर है कि यहाँ पर कुछ बहुत फेमस फिल्म्स की शूटिंग भी हुई है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे देखेंगे।
कार्लोवी वेरी में खाने के ऑप्शंस कई सारे हैं क्योंकि ये जगह काफ़ी इंटरनेशनली पॉपुलर है। बट हमने आज के लंच के लिए चूज़ किया एक लोकली रिकमेंडेड रेस्टोरेंट फॉर सम ऑथेंटिक चेक एक्सपीरियंस। तो लंच के लिए मैं आया हुआ हूँ कार्लोवी वेरी के ट्रेडिशनल चेक रेस्टोरेंट में और मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है यहाँ का बोहिमियन मीट प्लेटर। सो देखते हैं कैसा होता है ये। सो मेरे प्लेटर में आया व्हाइट कैबेज, रेड कैबेज, स्मोक्ड पोर्क शोल्डर, बियर सॉसेज, ब्रेड डम्पलिंग यहाँ की ट्रेडिशनल सॉस के साथ। काफी खाना था ये मेरे लिए बट इतना टेस्टी था कि मुझे इसे खत्म करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लंच के बाद हमने स्टेप इन किया यहाँ के एक और बहुत ही फेमस पॉपुलर बियर स्पा में। हमारी प्री बुकिंग नहीं थी एंड द स्पा वॉज फुल, तो हमने बस स्पेशल परमिशन लेकर अंदर के एटमॉस्फेयर की शूटिंग की। बियर स्पा एक प्रैक्टिस है जो कि आज से नहीं मिडिल एजेस से बहुत पॉपुलर है। ये स्पा बात होता है इन 1000 लीटर ओक टब्स में एंड इसमें वही इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जिनसे एक्चुअल बियर बनती है जैसे कि हॉप्स और यीस्ट। एंड कहते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। सो अगर आप ये ट्राई करना चाहते हैं तो पहले से ऑनलाइन बुकिंग करना मत भूलिएगा। क्योंकि ये ईस्टर हॉलिडे वीकेंड था एंड ऑल्सो बिकॉज आज मौसम भी अच्छा था इसीलिए यहाँ बहुत चहल पहल थी। सो हमने सिटी में वॉक करना काफ़ी एंजॉय किया। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था यहाँ का वर्ल्ड फेमस ग्रैंड पोप होटल। ये एक लग्जरी 5-स्टार होटल है जहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज रुकते हैं ड्यूरिंग द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टाइम। अब अगर फिल्म्स की बात कर रहे हैं तो ये होटल जेम्स बॉन्ड फिल्म कसिनो रॉयल का मेन होटल था जहाँ मूवी के पोकर वाले सेक्शन और काफी कुछ उसके आगे और पीछे के सीन्स शूट हुए थे। इनफैक्ट कैसिनो रॉयल की काफी शूटिंग कार्लोवी वेरी में हुई थी जिसे फिल्म में मॉन्टीनेग्रो बताया गया है। अगर आप पॉपअप बैनर में क्लिक करेंगे तो आपको साइड बाय साइड व्यू देखने को मिलेगा बिटवीन द रियल सिटी एंड द फुटेज फ्रॉम द फिल्म। होटल के इंटीरियर्स बहुत ही प्लश थे एंड द कॉफी शॉप हैड अ टिपिकल ओल्ड वर्ल्ड चार्म टू इट। ग्रैंड पोप होटल के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था डायना फनीक्यूलर जो ले जाती है आपको डायना ऑब्जर्वेशन टावर पे जहां से मिलता है कार्लोवी वेरी का बर्ड्स आई व्यू। इसका रिटर्न टिकट था 6 यूरोस पर पर्सन। बिकॉज मुझे फनीक्यूलर्स बहुत पसंद है आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट। ऊपर आपको कुछ रेस्टोरेंट्स एंड कैफे भी मिलते हैं एंड ये एक अच्छी जगह है कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। यहाँ पर एक बटरफ्लाई पार्क और एक मिनी जू भी है।
ऑब्जर्वेशन टावर तक ऊपर जाने के लिए यहाँ पर एक लिफ्ट भी है एंड जैसा मैंने कहा था यहाँ से एक अच्छा बर्ड्स आई व्यू मिलता है टाउन का। Another famous thing about Karlovy Vary है बेकरोव का लिक्योर एंड आप चाहें तो एक पूरा एक्सपीरियंस टूर बुक कर सकते हैं जो बताता है आपको इस लिक्योर की हिस्ट्री के बारे में। So, Karlovy Vary हिस्टोरिक टाइम से जाना जाता है अपने हेल्थ एंड वेलनेस के लिए। इनफैक्ट ये जो आप हर्बल लिक्योर देख रहे हैं ये भी Karlovy Vary से आता है एंड ओरिजिनली ये बना था स्टमक की प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए। यहाँ से निकलकर थोड़ी अपहिल वॉक करके हम पहुंचे अपने आज के लास्ट स्टॉप एंड वो था यहाँ का पीटर एंड पॉल कैथेड्रल। ये चर्च एक कम्प्लीटली रेजिडेंशियल एरिया में है एंड इसके आसपास की बिल्डिंग्स भी बहुत सुंदर थीं। इस बेजेंटाइन स्टाइल चर्च का कंस्ट्रक्शन हुआ था कुछ लेट 19th सेंचुरी में एंड अंदर से काफी रिचली डेकोरेटेड है विद लॉट्स ऑफ गोल्ड वर्क। अंदर फोटोग्राफी वॉज प्रोहिबिटेड बट शायद इसकी ऑपुलेंस का आइडिया आपको इसके एक्सटीरियर से मिल ही गया होगा। तो ये था Karlovy Vary का छोटा सा टाउन। आई होप कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। सो टिल द टाइम वी मीट अगेन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।